अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और इस क्विक सी वीडियो में मैं होंडा चर्वी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि पाकिस्तान में कल लॉन्च कर दी जाएगी यानी कि 22 अक्टूबर 2022 को। होंडा एचआरवी बेसिकली होंडा वेजल ही है। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये गाड़ी डिफरेंट नेम के साथ आती है, वेजल और एचआरवी। ये गाड़ियाँ बेसिकली सेम ही हैं लेकिन इनके फीचर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर बात की जाए वेजल की तो वेजल 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ आती है जबकि एचआरवी में मोस्टली 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है जो कि सिटी में आता होता है यूजुअली। खैर, पाकिस्तान में जो एचआरवी लॉन्च की जाने वाली है ये वेजल की थर्ड जनरेशन ही है और इसमें इंजन हाइब्रिड नहीं आएगा, ये सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल शेल की तो इसकी बॉडी एज इट इज़ वेजल वाली ही है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें हेडलाइट्स, टेल लाइट्स ये भी वेजल वाले दिए गए हैं। इसमें शार्पन एंटीना भी आता है यानी कि लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी वेजल के बहुत करीब करीब है। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो चीज़ मेजर मिसिंग है एक्सटीरियर पे देखा जाए तो वो है पैनोरामिक रूफ। इसमें पैनोरामिक रूफ या सनरूफ नहीं दी गई जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। खैर, इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 16 इंच के दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इंटीरियर की तो एचआरवी के अंदर कुछ चीज़ें कम कर दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू वेजल, जैसे कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। क्रूज़ कंट्रोल इवन सिटी में भी आता है, यारिस में भी आता है, एल्फिन वगैरह में भी, बट एचआरवी में होंडा ने नहीं ऑफर किया जिस पर लोगों का बहुत क्रिटिसिज्म आया है। मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी। बाकी इसके स्टीयरिंग पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स होने वाले हैं। बाकी इस गाड़ी में जो मल्टीमीडिया सिस्टम है ये भी एंड्रॉयड होगा। प्लस इस गाड़ी में जो चीज़ अच्छी है इंटीरियर के अंदर वो ये है कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन दिया गया है सिविक की तरह का, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा एचआरवी में वायरलेस चार्जर भी आ रहा है। प्लस इस गाड़ी की जो ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं। बाकी अगर बात की जाए इंजन की तो ये 1500 सीसी होने वाला है नेचुरली एस्पिरेटेड। इसके एग्जैक्ट स्टैट्स फिगर्स वगैरह मैं कल शेयर कर लूँगा आपसे। और उसके अलावा रिम इस गाड़ी में 16 इंचेस के आते हैं। और इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो एचआरवी में दो मेन वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, वीटीआई और वीटीआईएस। एचआरवी वीटीआई की जो प्राइस है वो है 59,99,000 और जो इसका वीटीआईएस वेरिएंट है इसकी प्राइस है 61,99,000। इनकी प्राइस में 2 लाख रुपए का फ़र्क है और इनके बीच में कुछ माइनर कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं, बाकी ओवरऑल ये गाड़ियाँ सेम ही हैं। खैर, ये था एक क्विक सा रिव्यू होंडा एचआरवी के बारे में। इसका एक कंप्लीट रिव्यू आपको जल्द ही मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप जो क्लिप्स देख रहे हैं ये होंडा वेजल के हैं, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, ये 2021 मॉडल कार है। और अगर आपने इसका रिव्यू देखना है तो आप एसआई कार्ड में देख सकते हैं। खैर, ये था एक क्विक सा रिव्यू होंडा एचआरवी के बारे में। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अगर आपके पास एचआरवी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कल जो लोग ये गाड़ी बुक करने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।